कल कुछ नहीं करूंगी, कल कुछ नहीं करूंगी, कल बेबी के साथ सुबह ब्रेकफास्ट पे जाऊंगी मैं, कॉफी पियेंगे थोड़ी सी, लेकिन इसका बेबी का क्या करेंगे? बेबी को बांधना पड़ेगा चेन से। चेन से? वो वाली बड़ी जंजीरों से ना, जिससे हाथी बांधते। सुबह सुबह की बदमाशी आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर आ गई है मेरी चाय, और चाय देख के इसको लग रहा है कि कुछ नया आया है, इसको इधर करना पड़ेगा। चाल इधर। हाँ, मुझे काट रही है, मुझे काट, पूरे दांत निकल आए, पूरे दांत निकल आए, दांत वाला कुत्ता आ गया। इससे इससे खेल, इससे खेल। अरे अरे अरे, अरे बाप रे बाप, छोटू गिर गया था, छोटू इससे लड़ेगा, इससे लड़ेगा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है, मुझे नहीं पता कितने बजे हैं, लेकिन कोको चेरी को भी घुमा के ले आई हूँ मैं, और अब अपनी चाय पीऊंगी, चाय पी के अभी आपसे मिलती हूँ। और वहाँ से कुकड़ा आ रहा है, ये री चेरी, कुकड़ा घूमी घूमी करता हुआ आ रहा है, आज थोड़ा बेटर वॉक कर रहा है, कल वॉक ठीक नहीं कर रहा था, ये थोड़ी मैं घबरा गई थी। देखो आई ले मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, बैठ जा मेरा बच्चा, बैठ जा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। आज है दिल्ली का मेरा लास्ट डे, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ बॉम्बे के लिए। अभी मेरी थोड़ी देर में फ्लाइट है, लेकिन मुझे इतनी एडिटिंग और इतना सारा काम करना था कि मैं ब्लॉग नहीं शुरू कर पाया। अब मैं पूरा तैयार होने के बाद ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, और बहुत ही तगड़ा जुकाम लग चुका है, जो कि जाके अब मुझे संभावना को देना है। और इधर आपको मिला देता हूँ पापा से, क्योंकि 5 मिनट में निकल जाऊंगा, मिला नहीं पाऊंगा। पापा हेलो, गुड मॉर्निंग। अमन हाय, गुड मॉर्निंग। प्रतीक हाय, गुड मॉर्निंग। अरे ये खेलने में लगाओ फ्री फायर, इसको अभी चिंता नहीं है कि मामा जा रहा है। अरे री मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे दीदी हेलो। अरे आज मैं आई है, कल कोयल थी। तो मैं आप लोग को एक बार मिलता हूँ जब मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा, या फिर हो सकता है सीधा बॉम्बे में मिलूं, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतना चेक इन और इतना सिक्योरिटी चेक होता है, बार बार कैमरा वायर लैपटॉप हार्ड डिस्क क्या क्या निकालना पड़ता है। तो मोस्टली थोड़ा सा मैं गाड़ी में शायद शूट करूंगा, कैब में, कैब आने वाली, उसके बाद मैं आप लोगों को सीधा मिलूंगा मुंबई में। टिल देन आप देखो छोटा बेबी और संभावना क्या कर रहे हैं। लो जी, तो आपको एक बार और वेलकम बैक टू माय चैनल कह देती हूँ। रूम क्लीन हो गया है, और अभी दोबारा देख लेते छोटा बेबी क्या कर रहा है। छोटा बेबी, और छोटा बेबी आपको दिखाती हूँ, उल्टा होके सो रहा है। और अब मैं लगूंगी इधर की सफाई, पहले अविनाश का ड्रॉर साफ होगा, उसके बाद मेरी साइड साफ होगी, ये नीचे की साइड सारी क्लीन करने वाली हूँ मैं, वैक्यूम क्लीनर लेके और चकाचक कर डालूंगी जब तक, क्योंकि आज अविनाश भी आ जाएगा, शाम की फ्लाइट है, आई डोंट थिंक कि मैं लेने जा पाऊंगी उसको, क्योंकि इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये पता है कल क्या कर रही थी, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पहुंची थी और ये वाली तार खाने की लग गई थी, सो आई गेट वेरी स्केर्ड, क्योंकि छोटी है ना, अब इसको चीजें दिख रही है, अब दांत आ गए, आज दांत ही निकल आए हैं, मतलब सीधा दांत बाहर आ गए हैं इसके, बहुत जल्दी सब कुछ, इतनी जल्दी ग्रोथ हो रही है ना कि मैं भी बहुत हैरान हो रही हूँ कि इतनी जल्दी होता नहीं है, अभी तो 1 महीने की भी पूरी नहीं हुई है, ये दांत वांत सब बाहर आ गए हैं इसके, तो मुझे इस पे हर वक्त चेक रखना पड़ता है, आपको मालूम नहीं है, 1 सेकंड इधर से उधर हुआ और ये कुछ भी कर सकती है, तो मेरे को देखना पड़ता है कि ये कहीं गड़बड़ ना कर दे, छोटी है ऑफ कोर्स। तो आई थिंक मैं अविनाश को भी बताऊंगी, तो अविनाश कहेगा ही कि मत आ, वो ही आएगा, तब तक मेरे पास अब ये सफाई का केंद्र है, और मैं सफाई केंद्रित महिला झाड़ू लेके सब साफ कर डालूंगी। तुझे ये पूरा का पूरा ऊपर से यहाँ तक पूरा अंदर तक सब निकालती है कपड़े, और ये देख लो डस्ट देख लो, और ये रहे सारे के सारे कपड़े पहाड़। ये तो अभी ऊपर का सेक्शन है, मतलब यहाँ का सेक्शन है, ये अभी बाकी नीचे के तो सारे अभी निकलने हैं, पहले इतना करेंगे। ये देखो छोटा बेबी की हरकतें, ये कितनी गंदी हो गई है, अपना पैर नहीं खाना, ये रहा। अरे ये क्या था, ए छुटंकी भागी 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 भागी, कहाँ भाग रही है, चल अपनी माँ के पास। तो काम करते करते एक क्विक ब्रेक लिया गया है, क्योंकि काम बहुत सारा हो गया, लेकिन अब नीचे का सॉर्टेड होना है, ऊपर का हो गया है, नीचे का होना है, और मैंने मंगवा ली अपनी स्टारबक्स की कॉफी, ये कितने दिनों के बाद, क्योंकि मैं बाहर तो निकल नहीं सकती ना, अविनाश नहीं आएगा तब तक बाहर नहीं निकल सकती, तो मैं यही कर लूँ घर पे, इसलिए मजे ले रही हूँ। दीदी कॉफी ट्राई करोगी मेरी, कर लो ना दीदी, अच्छी है, थोड़ा सा पी लो, देख के घबरा जाती है मेरी कॉफी। अरे जियो रे जिंदगी, जियो जियो जियो, यही है जिंदगी, जिंदगी खुल के जीने का नाम है, जियो। कुत्ता तो नहीं उठा, नहीं कुत्ता सो रहा है। जिंदगी जीने का नाम है, जितना जी सके उसको अच्छी तरह से
से जियो, ये मेरी खुशी है। आपको दिख रहे हैं मेरी एनर्जी देख रहे हो? सडनली अब मैं करूँगी काम, देखो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये देखो खलेरा जी, मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपने बेड के अंदर हूँ, सफाइयाँ खत्म नहीं हो रही है दोस्तों। अविनाश के आने का टाइम हो गया लेकिन सफाइयाँ खत्म नहीं हो रही है। मैं सफाई कब करूंगी, अभी ये सब रहता है। और वो हो गया कबर्ड, हो गया कबर्ड, आपको दिखाती हूँ। कबर्ड बहुत अच्छी तरह से साफ हुई है। आई थिंक अविनाश आएगा ना वही दिखाएगा। उसका तो मैंने एकदम सटासट सामान रख दिया एकदम। अब इसके बाद उसने गड़बड़ करी ना तो फिर मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैं करने की कोशिश कर रही हूँ कि गर्म कपड़े, मेरी वेडिंग के कपड़े यहाँ पे पड़े हैं देखो। और मैं आपको ना सबको बताना चाहती हूँ कि ना कभी भी ना वेडिंग के कपड़ों पे ज्यादा खर्चा ना करा करो, क्योंकि उसके बाद ये यही रहते हैं। ये मेरा तजुर्बा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन एवरीबडी वॉन्ट्स ना कि एक ही दिन आता है वेडिंग का, हम तो खर्चा करेंगे। मैंने नहीं किया था, मैं सच बता रही हूँ। मैं बड़े सस्ते कपड़े लिए थे। चलो शुरू करें। कहाँ है वैक्यूम क्लीनर? अरे बता क्यों नहीं रहे हो तुम? क्यों मैं क्यों बता? अब दोनों कैमरा चालू रखे, पता है मेरे को इनके भौंकने से पता लगा है कि तुम आए हो। अरे कैन यू खोटा बेबी, खोटा बेबी कैसा है? खोटा बेबी कैसा है? अरे वाह, ये किसी और के घर में आ गया हूँ क्या मैं? मैं अपने ही घर में आया हूँ। इतना साफ कैसे हो गया? साफ सफाई चल रही है अभी तो, यहाँ तक तो पहुँची नहीं हूँ। अच्छा, डीप क्लीनिंग तो दो रूम्स की हुई है अभी तक। नहीं लेकिन फिर भी रूम काफी हॉल काफी खाली खाली और काफी ऑर्गेनाइज लग रहा है। बाकी मोटा बेबी को तो प्यार करने दो, पहले दोनों को प्यार कर लो। आ जाओ चैनू मामा, कैंजू बाबा, कोको ही आया है। कोको आ जाओ। अरे अरे उल्टा हो गया। चेरू क्या सुन रहा है बेटा? ओ माय गॉड, मैं चेरू कितना अच्छा पोनी बना गया है, डायगनल पोनी। हां मेरा डायगनल पोनी वाला कुत्ता, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, मेरा डायगनल पोनी वाला कुत्ता। वो भी मांग रही है भाई। मैं क्या करूं, वो आया है। इसको भी तो वही चाहिए ना। चेरू मम्मा ने घूमी घूमी कर सब कुछ अच्छी तरह से कराया। मम्मी ने, मम्मा नहीं कराती होगी मुझे पता। अच्छा मम्मी ने पूरा घुमाया। मम्मा सुबह लेट ले जाती होगी, घर में सुसु हो जाता होगा। नहीं नहीं मम्मा पूरी तरह से ख्याल रखा है मम्मा ने। एक सेकंड रुको भाई, मैं तो दिल्ली की ठंड के हिसाब से तैयार होकर आया था, यहाँ तो गर्मी में तंदूर हो गया मैं। पहले आओ जल्दी आओ, छोड़ पहले जल्दी आओ ना, चश्मा भी उतारो। दूर रहो मेरे को जुकाम है। चश्मा भी उतारो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे लगेगा ही लगेगा अब जुकाम। तुमको जुकाम दे दूंगा ना तो खत्म एक महीने की छुट्टी। क्या पहले इधर चलो, ये लाइट देखो। बेबी मैंने ब्लॉग में तो देखा था ये, लेकिन सामने से तो कुछ अलग ही लग रहा है। घर की पूरी वाइब चेंज हो गई है ना, बहुत ही बढ़िया। और ये हम कब का लाए थे, मैं तो भूल भी गया हमारे घर में आई है। हाँ, आईकिया से लेके आए थे मैंने। हाँ। कल लगवाया वो देखो, वो भी बहुत प्यारा है। लेकिन पहले वाला ही रिपेयर करवा देती। नहीं मेरे को लगा अभी नया ही लगाती हूँ, जो की बहुत सुंदर लग रहा था। लग तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे एक दो और लग जाए ना तो और सुंदर हो जाए। अब आओ इधर सीधा, जहाँ जहाँ मैं बोलूंगी वहां चलना, दीदो तो देखोगे नहीं तुम। सीधा देखो बिल्कुल, ठीक है सीधा जाओ, राइट टर्न करो। अरे अरे ये तो ऐसा लग रहा है मैं होटल के रूम में आ गया हूँ, और मुझे अब भी हाउसकीपिंग वालों ने तैयार करके दिया रूम। कैसा कैसा लग रहा है? बहुत ही क्लीन, और ऐसा मतलब ऐसा लग रहा है रूम में सांस आ रही है, पता है? हाँ। ये देखो सारा सामान प्रॉपर लगा दिया। लाइट जलाऊं? नहीं नहीं जरूरत नहीं है। ये देखो मेरी क्रिकेट किट नहीं फेंकी ना मैंने, क्रिकेट किट नहीं फेंकी लेकिन कपड़े फेंक दिए। एक पहले ये देख लो ना सारा सामान जो लगाया। बहुत ही अच्छा लगा यार, अच्छे से लगाया। अरे वाह बहुत ही बढ़िया। ये तुम्हारा जिम का सामान, तुम्हारा लैपटॉप, वो सारा बैग्स वगैरह, कैमरा के, कैसा लगा पूरा? आउटस्टैंडिंग। मैंने मतलब बहुत डीप क्लीनिंग की है, बहुत डीप। वैसे कमरे में आया ना तो ऐसे लगा कि मेरे अंदर जो है ना फेफड़े खुले हैं, सांस अंदर जा रही है, ऑक्सीजन ज्यादा। हाँ ऐसा स्पेशियस लग रहा है, क्लीन ऑर्गेनाइज्ड। अब आओ इधर। बेबी आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने तीन दिन में घर का नक्शा बदल दिया। आओ इधर आओ। ये उल्टा उल्टा क्यों चल रही हूँ मुझे दिखाने के लिए? तुम्हें कैप्चर कर रही हूँ ना। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ लाइटिंग भी ऐसे कर रखी है मेरे हिसाब से। देखो मेरे आने से पहले ये साफ क्लीन कर दिया बेबी। बहुत ही बढ़िया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया बेबी। अब लाइट जलाओ, अब देखो रूम पूरा क्लीन कर दिया मैंने। वेरी नाइस डीप क्लीनिंग है, मतलब ये सब अंदर तक साफ किया है पूरा। ये वाला भी बेड के भी अंदर तक पूरा साफ किया है। और वो देखो बाथरूम देख लो जरा, लाइट जलाओ, जरूरत ही नहीं है, वैसे ही देख लो तुम्हें डीप क्लीनिंग समझ में आ जाएगी। अरे वाह कितने सामान कम हो गया। हाँ एकदम क्लीन हो गया, जिस चीज की जरूरत है वही दिख रही है। वेरी गुड, बहुत सारा सामान डिस्कार्ड कर, ड्रॉर्स वगैरह भी क्लीन कर, सब क्लीन कर दिया अच्छी तरह से। अब मैं उससे मिल लूं जिसके लिए मैं आया था? नहीं पहले अपना अपना वाला सेक्शन देखो, पहले खोलो तुम्हारा अलमारी खोलो।
अरे वाह, ओ हो सिर्फ एक ट्रैक पैंट्स और ये सिर्फ ट्रैक पैंट्स है तुम्हारा, ये तुम्हारी ये शर्ट्स का शर्ट्स है सारी, ये तुम्हारी पैंट्स और हुडीज जितनी लंबी वाली हुडीज होती है ये सारी देखो ये तो, तुम्हारी कैप्स वगैरह, ये तुम्हारे बंडाना वगैरह सारे, जितने भी सॉक्स वगैरह है शॉर्ट्स है जिम की वो सारी रख दी है ठीक है, ये तुम्हारी पूरी जीन्स वगैरह इसमें रखी है। अरे वाह, तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं भी कुछ, बाकी ये तो खाली है बेबी। अरे अच्छा, ये खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ दिया और ये तुम्हारे ऊपर सारे ठीक तरह से परफेक्टली लगवा दिए, जो यहाँ तक तुम्हारे ये है सारे लगा दिए, बहुत ही बढ़िया ठीक है। मेरी साइड का मैं नहीं दिखाऊंगी, क्यों तुम्हारी साइड का देखना है मेरे को, चलो ऊपर वगैरह दिखा देती हूँ। अरे अपनी साइड का तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगाया हुआ है, अपनी साइड के में ज्यादा मेहनत की गई है, दिख रहा है ऐसा। ये मेरी साइड का है ये पूरा, वेरी नाइस बेबी, इसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी। अरे मैं इससे ज्यादा बेबी ये जो कचरा हटाया ना उसमें मेहनत लगी है, अब वो देव मिल लो उससे मिल लो बेबी, छोटा बेबी बाहर आ रहा है, इसे मिल लो छोटा बेबी बाहर आ रहा है, हाथ धो लो को, हाँ हाथ धो लो अच्छी तरह से, ये छोटा बेबी कैसे वेट कर रहा है, बेबी जल्दी आओ ना। अरे टॉय भी पड़ा हुआ है, टॉय भी आ गया छोटा बेबी का, छोटा ये छोटा बेबी देख तेरा बाप आया, सूर्य नींद में है। अरे उसको मेरी टच से मजा नहीं आया, अरे वो बहुत बदमाशी कर चुकी है, पिचाना पिचाना गंदा, तो एकदम अलग हो गई है बेबी, दांत निकल आया है अभी तुम्हें बताएगी बेबी, तुम्हें जुकाम है ज्यादा मत, इसको पास लो, तो बड़ी हो गई है, ज्यादा नहीं करेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, कितनी सुंदर हो गई है बेबी, है ना एकदम एंजल हो गई है, हाँ हाँ टिकी हुई है, कितने ध्यान से देख रही है, बब्बा जुकाम है ज्यादा नहीं टच करेंगे, कहाँ देख रहा है कितने ध्यान से देख रहा है बेबी, इसके उस पे मत जाना, इनोसेंस पे मत जाना, क्यों ये अभी जो करेगी तुम्हें पता नहीं है, तुम हैरान ही रह जाओगे, ये काटती है, बहुत पारा बेबी है, छोना बेबी है मेरा, ओ देखो नाखून में नाखून फंस गया, कभी देखा ऐसा, नाखून में नाखून फंस गया, हाथ के नाखून में पैर का फंस गया, चलो आ जाओ चाय पीते हैं, ओ मैं छोटा बेबी, ये तो कितनी प्यारी हो गई है बेबी, कैसे देख रही है यार बेबी, उसको भी प्यार कर लो उठा के, बहुत वो हो रही है बेचैन हो रही है, उठा के बाहर ही चलते हैं, भाई मम्मा ने जो ध्यान रखा छोटा बेबी का उस मम्मा को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो देखो कैसे देख रही है तुम्हें, की क्या हुआ सडनली, मैंने छोड़ दिया, हाँ चलो चाय पीते हैं दोस्तों, अब करते सीधा सोने वाली बात, बहुत थक गया हूँ मैं, और लेकिन आने के बाद जो मुझे मेरी बेबी ने सरप्राइज दिया है, ओहो मुझे लग रहा है मैं अपने घर में वापस नहीं आया, मैं किसी और घर में आ गया हूँ, घर की जो डीप क्लीनिंग एक एक चीज जो हुई है बाप रे बाप, और वो इतना मेहनत का काम है, मैं देख के अंदाजा लगा सकता हूँ कि बॉस वो काम करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए पूरा लगना पड़ेगा वरना वो इंस्टॉलमेंट में नहीं हो सकता काम। अरे मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम छोटा बेबी की तरह गर्दन हिला रही हो, मतलब मैं खुश हो रही हूँ ना, तुम्हें तो तारीफ से नशा होता है, तुमने ऐसे किया जो गाड़ी में कुत्ता होता है ना, इसकी गर्दन हिलती रहती है ऐसे, तो इसी कमर टूटी के साथ अब मैं सोऊंगी, बिकॉज आई रियली नीड स्लीप, तीन दिन की मेहनत, कल कुछ नहीं करूंगी, कल बेबी के साथ सुबह ब्रेकफास्ट पे जाऊंगी मैं, अच्छा हाँ कॉफी पियेंगे थोड़ी सी, लेकिन इसका बेबी का क्या करेंगे, बेबी को बांधना पड़ेगा चेन से वो वाली बड़ी जंजीरों से ना, जिससे हाथी बांधते, कुछ करना पड़ेगा बेबी, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा दया। दोस्तों मिलते हैं आपको कल, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब तो मतलब आपको मतलब हद ही कर देनी चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो, एक से होता है, मतलब आप लोग जाके एक बार अनाउंसमेंट करो ना सोसाइटी में, सोसाइटी मीटिंग्स होती हैं उसमें बताओ, जैसे प्रॉब्लम आती है ना सोसाइटी में कि हमारे लीकेज का प्रॉब्लम है, हमें ये है, आप आज बताओ कि समावना से एंटरटेनमेंट को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, जाओ दोस्तों। तुम मेरे जितना पास आके सब तुमने बोला है ना, तुम्हें जुकाम लग जाएगा आज रात को, और तुम्हारा तो एक महीने से पहले ठीक भी नहीं होगा, मैं ओट्रिविन लाई हूं, ओट्रिविन तुम्हारी नाक पे डालती हूं, और मेरे से दूर रहना बिल्कुल, वो देखो कैसे सोई हुई है, तीसरा वाला भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, पानी पी रहा है, अब इसको पकड़ के पानी भी पिलाओगी, हां बेबी गिर जा रहा है।